ये लो उदय, चाय ले लो, चाय पी लो। श्रीधर, अब तो उज्जैन के बाहर के व्यापारियों को भी हमारे ये सैंपल्स बहुत पसंद आने लगे हैं। लेकिन अगर उदय ये सैंपल पार्टी को पसंद आ गया तो काम बहुत बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, हम और कारीगर रख लेंगे। अरे पेपर खत्म हो गए हैं। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ बस आज का ही पेपर बचा है, इसी से काम चला लेते हैं। हाँ लाओ दो। ठाकुर भैया खाना लगा दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। आप सुबह से काम में लगे हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया है। भाभी अब तो हम आराम से बैठकर तभी खाएंगे जब हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ठाकुर साहब आप जाइए, जाके कुछ खा लीजिए, कुछ खा पी लीजिए आप, चलिए ना। नहीं आप जाइए, मैं चल चलो तो सभी चल जाइए आप। स्वर्ण भवन के पुराने वारिस जेल की सलाखों के पीछे पत्नी पर अत्याचार के जुर्म में हुए गिरफ्तार। नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरतों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरतों पे अत्याचार बंद करो, नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे परिवार की बदनामी टेलीविजन पे होते देख। मैंने वही किया जो सही था भैया। कनिका प्लीज बात को समझ, अपने पागलपन में अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कर। परिवार वाले एक दूसरे पे केस करें ये सही नहीं। इतनी बदनामी होगी कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आई जस्ट डोंट केयर। यू शुड केयर। करण अब गुस्सा मत कीजिए, आप जाइए, हम समझाओ इसे। हाँ हाँ हम समझाएंगे, आप प्लीज चलिए। सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए हम तुमसे इतनी मिन्नतें कर रहे हैं कनिका, वरना हम अच्छी तरह जानते हैं गलती सिर्फ तुम्हारी है। और तुमने हमारे पिताजी का अपमान करके जो गुनाह किया है इसलिए तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, अगर तुम में इतनी भी समझ बाकी हो तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप केस वापस ले लो। समझी? मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रिश्ता तोड़ना होगा प्रकाश को सबसे। आज के बाद ना वो अपने पिता से मिलेगा और ना ही उनसे बात करेगा, और तुम बहनों से भी कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अरे वाह कनिका, तूने तो आभा के सामने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, अब तो वो प्रकाश को मनवा कर ही रहेगी और फिर प्रकाश सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। हाँ मामी, कल से प्रकाश मेरे सारे हुक्म मानेगा। मैं कहूंगी चलो तो चलेगा, और मैं कहूंगी रुक जाओ तो रुक जाएगा। उस कनिका की बातों में आकर अब हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल पहले ही कर चुके हैं। अब दोबारा अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़कर हम उन्हें और दुख नहीं दे सकते। भैया भैया दुख तो हमें हो रहा है आपको यहां देखकर, हमें उम्मीद है तब तक आप इन पेपर्स पर साइन कर चुके होंगे। Thank you.